डिस्टर्ब होगा तो वो ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मुझे मार पड़ जाए सुबह सुबह। इंडक्शन स्टार्ट हो चुका है। Going to have Mr. Ruskin Bond with us. The most vivid memories is of it snowing in Derudo. सर आज शुरू हो चुके हैं, ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे गलती कर रहे हैं सर आज। आज है जिमी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जिमी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे सुबह के 9:30। 7-8 बजे मैं उठा था, सुबह भी उठा था वैसे एक बार ही 4:30 बजे। सीन आजकल ऐसा सीन है कि आज ही मैं सुबह उठ रहा हूँ, मौसम खराब रह रहा है, बारिश की वजह से मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ जिम। तो अगर जब मैं सुबह जिम नहीं जाता हूँ तो मैं शाम को जिम जाता हूँ, तो आज भी हम शाम को जिम जाएंगे। और अभी मैं बाहर पे इसलिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बाहर पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अंदर मम्मी कर रही है आरती पूजा, तो अंदर अभी मैं चिल्ला नहीं सकता, मतलब व्लॉग नहीं कर सकता, वो ऐसा खुल के थोड़ा, क्योंकि फिर मम्मी गुस्सा करेगी कि मुझे आरती करने दे, इसलिए बाहर पे ठीक है फिलहाल। धूप थोड़ा सा लेते हैं, सुबह सुबह की धूप लेनी बहुत ज़रूरी होती है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इसके भी। भले ही गर्मी लग रही है पर थोड़ी देर में अंदर चलते हैं, हल्की हल्की आवाज़ में ब्लॉग करेंगे, हल्की हल्की आवाज़ में वीडियो बनाता हूँ ताकि मम्मी को भी डिस्टर्ब ना हो और हम भी अपना काम कर सकें। यहाँ पर ठीक है थोड़ा, और देखो मम्मी वहाँ पे आरती कर रही है और दीदी बना रही है पीछे नाश्ता, और मैं वेट कर रहा हूँ गाइस 10 बजने का, क्योंकि 10 बजे से मेरी क्लास है। मैं बाहर आ गया है क्योंकि अंदर मम्मी पूजा कर रही है, मम्मी को डिस्टर्ब होगा तो वो ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मुझे मार पड़ जाए सुबह सुबह। मैं बोल रहा था हाँ मैं वेट कर रहा हूँ 10 बजने का, क्योंकि हाँ मैंने जैसे ग्राफिक में एडमिशन ले लिया तो अब हमारे इंडक्शन शुरू हो चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो हमको पूरे कॉलेज के बारे में बताएंगे, 14 दिन का इंडक्शन होगा, उसमें हमको सारी चीज़ें वो बताएंगे कि क्या है कॉलेज में फैकल्टीज़ और प्लेसमेंट्स और कॉलेज के सारे अड्डे वगैरह, जो भी कैफेटेरिया वगैरह सारी चीज़ें बताएंगे। आज दिखाऊंगा आपको कि आज सेकेंड सेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हो गई है मम्मी की पूजा खत्म, अब मैं आराम से अपना ब्लॉग कर सकता हूँ, आराम से बोल सकता हूँ। हाँ, आपको कुछ अलग दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे, मेरे बाल मैंने थोड़े कटा दिए और थोड़ी बियर्ड भी ट्रिम, दाढ़ी अपनी कटा दी है, ट्रिम करा दी है, और कुछ अलग ही इस बारी अपने आपको लुक दिया है मैंने। मिलता हूँ आपको सीधा इंडक्शन के टाइम पर दोस्तों। तो देखो कुछ ऐसे जुगाड़ करके ट्राईपॉड में अपना फ़ोन लगा रखा है मैंने, जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं कब स्टार्ट होगा। इनका इंडक्शन स्टार्ट हो चुका है और मैं बैठा हूँ, अभी सुन रहा हूँ मैम की बात। Boys and girls, I hope you guys are having a great time. So welcome to the induction program day 2. The next 6 minutes, we are going to have Mr. Ruskin Bond with us, and he's doing this live from his home in Lahore in Mussoorie. Yeah, I'm ready. At your mercy. I give you my good wishes for a wonderful future and a great career for all of you. Now I'm at your mercy, so you can go ahead and pummel me with questions on books, writing. First question that I have for you is what is your favorite memory of Dehradun? Oh, favorite memories of Dehradun. Gosh, there's so many. And the most vivid memories is of it snowing in Dehradun. This was the 1st of January, 1945. I was 10 years old. My mother and stepfather were living in Dalanwala. It was the 1st of January and late in the evening, it started snowing, and I ran indoors. I said, my mother was in bed. She just had my baby brother. So I said, Mom, it's snowing outside. She said, I'm not feeling well, Ruskin. Your silly jokes are not very amusing. So I went out into the garden and I broke a branch off the lychee tree, and the leaves were thick, covered with snow. So I brought it in and showed her the snow. It was the first time in 40 years, I was told, that it had snowed in Dehradun. And next morning, Dalanwala, all of Dehradun was covered with snow, believe it or not. So we were playing snowballs on the Maidan, actually.
on the parade ground. session khatam ho chuka hai 10 se 11 11 se 12 but what an amazing session guys mazaa hi aa gaya aaj hamare sath jo 11 se 12 ke session ke beech mein the Ruskin Bond sir Gulmohar ki book mein english Gulmohar ki book mein unki stories humne bahut padhi hai matlab live dekha unhe pehli baar अपने लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया आज हमें बहुत एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतनी उम्र होने के बाद भी स्टिल वो बोल रहे थे कि यार अभी मैंने इतना कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है तो 1945 या 1950 में आई गेस वो बोल रहे थे कि देहरादून में बर्फ़ पड़ी थी और ढालन वाला साइड कुछ नाम ले रहे थे वो एक अलग ही चीज़ थी कि देहरादून में बर्फ़ आज देहरादून में इतनी गर्मी है सोचो उस टाइम में देहरादून में बर्फ़ पड़ी थी मज़ा ही आ गया उनके साथ इंटरेक्ट करके ना तो फिलहाल ये सेशन हो गया यहाँ पे ख़त्म और अभी है सीधा 4 से 5 बजे तो फिलहाल दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है श्राद्ध शुरू हो चुके हैं तो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है श्राद्ध की टू बी ऑनेस्ट जो हम आजकल की जनरेशन है हमें इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है तो जो भी हम सीखते हैं अपने मम्मी पापा या बड़े लोगों से ही सीखते हैं तो मैं भी आज देख रहा हूँ एक्चुअली श्राद्ध कैसे होता है तो यहाँ पर हमारे लैंड लॉर्ड मकान मालकिन आंटी अंकल लगे हुए हैं श्राद्ध की प्रिपरेशन करने में अपने पितरों के उसके लिए तो इनसे ही पूछता हूँ मैं मुझे तो ज़्यादा पता है नहीं क्योंकि हमारे पिता देवताओं को इस दिन उनको तर्पण दिया जाता है अपने पितरों को याद किया जाता है साल में ये एक बार आता है 16 श्राद्ध आते हैं हमारे पितरों की आज का हमारे पितरों का बहुत मेहनत बहुत बड़ा आशीर्वाद है मतलब हमारे पितर बहुत बड़े माने जाते हैं हम लोगों को मतलब हर प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं सब देख रहे होंगे तो ऐसे ऐसे हमें श्राद्ध भी मम्मी भी आज यहीं बैठी है तो देख लो आजकल की जनरेशन जिन्हें नहीं पता कि श्राद्ध क्या होता है कैसे करते हैं श्राद्ध ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अंकल जी कर रहे हैं श्राद्ध तो ये आ गया है गाइस प्रसाद और मम्मी ने भी प्रसाद ले लिया है वहाँ से और देखो जस्ट यहीं पे दरवाज़ा है यहीं से हम बाहर जा रहे हैं और यहीं पे उनका घर है यहीं पे हमारा रूम है तो ये था गाइस रात का खाना अभी फटाफट मैं खाना खाता हूँ काफ़ी अच्छा खाना बना है फटाफट खाना खाता हूँ फिर मिलता हूँ खाना खाने के बाद सर मेरा पेट हो गया फुल खाना मैंने खा लिया वहाँ पे अभी मम्मी उधर खा रही है दीदी ने खा लिया दीदी बर्तन धो रही है और मस्त खाना बना होता है यार चाहे कुछ भी बोलो रात का खाना था पर खाना बहुत मस्त था टेस्टी एकदम यही सोच रहा हूँ आज मैं जिम जाऊँ और बारिश ना क्योंकि बाहर भयंकर ही बारिश हो रही है टाइम पर वैसे भी जिम के लिए काफ़ी टाइम है यार 4 घंटे हैं वैसे जिम के लिए 4 से 5 इंडक्शन है फिर उसके बाद मैं जिम जाऊँगा 5 बजे 3 hours later Here we go guys 4 बज गए और 4 से 5 जो हमारा आज का इंडक्शन है उसमें है आज हमारी जुम्बा क्लास तो मैं वहाँ से कुछ स्टेप तो कर रही है मैं ट्राई कर रहा हूँ इन सब की नींद खराब करके मैं यहाँ पे जुम्बा काफी खोल दिया और अभी हम कर रहे हैं जुम्बा के कुछ स्टेप्स एक भी इसका पैसा नहीं होगा जो मैंने आपको कॉपी किया होगा सारे अलग किए फिर चार मिनट के लिए हाथ उठ रहे हैं बस 4 से 5 बजे का सेशन भी हो गया है ओवर चली गई है मैम फाइनली हो गई गाइस हो गया हूँ मैं जिम के लिए तैयार और अभी जा रहा हूँ मैं जिम एक जुम्बा सेशन अटेंड करने गया थोड़ा वार्म अप हो गया काफ़ी बढ़िया सेशन था जुम्बा का तो अभी मिलता हूँ सीधा आपको जिम में दोस्त आ रहे हैं तो उसके साथ जाऊँगा बाइक में बाय टाइम होती है गाइस जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ और अभी बज रहे हैं गाने स्पीकर में भाई 1 घंटा जिम कर लिया आज काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ हमारा आज हमने हमारी बैक और बाइसेप्स वार्म अप भी पहले हो गया था 4 से 5 के बीच में जुम्बा कर लिया था कॉलेज वालों की तरफ से बारिश भी होने वाली है बारिश से पहले पहले फटाफट घर पहुँचते हैं
जिम से आ गया हूँ मैं वापस, और पूरे दिन भर मैं सिर्फ यही वेट करता हूँ कि कब मैं जिम जाऊँगा और कब वेट्स उठाऊंगा और कब थोड़ा बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ काम करूँगा पूरे दिन भर, क्योंकि आजकल चल रहा है इंडक्शन और घर पे रहना पड़ता है, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आज का इंडक्शन जो था वो थोड़ा सही था, 4 से 5 बजे वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा जुम्बा था, थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया था अपना। तो फिलहाल मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला एक खास चीज, तो आज है जिमी का बर्थडे। अभी जस्ट उन्होंने बुलाया कि आज जिमी का बर्थडे है, तो सेलिब्रेट करते हैं। मम्मी लोग जस्ट अभी वहाँ गए, दीदी लोग, और मैं भी अभी वहीं जा रहा हूँ। दरवाजा पहले से खुला है, लोग वहीं जा रखे हैं, और हम आ चुके हैं आंटी लोगों के घर में, और ये जिमी को कर रखा है तैयार। आज है जिमी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जिमी। सोच रहा है कब खाना मिलेगा और कब। आज जिमी कितने साल का हो गया? आज 7 साल का पूरा हो चुका है। और ये देखो जिमी के बर्थडे की तैयारी कितनी भयंकर, और के केक, बिस्कुट, नमकीन। ये देखो 7 साल की लगा रही है इसकी कैंडल। 7 साल का हो गया। Happy birthday to you. जिमी का बर्थडे कर दिया हमने सेलिब्रेट, और पहले दिन जब हम आए थे इसने पहले दिन ही हमें गिरा दिया था यही बाहर पे, और इसकी उंगली छिल गई थी, हम ऐसा गिरे थे, तो वो दिन भी याद। और एक हफ्ते तक हम इसका एकदम डर था हमारे अंदर, एकदम तक हम बाहर ही नहीं आए अपने उस रूम से। फिलहाल हो गया जिमी का बर्थडे कम्प्लीट, सेलिब्रेट कर लिया हमने। तो ये देखो हमारा इंडियन कल्चर, हम जानवर को भी एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं, एंड जिमी को सब विश कर दो हैप्पी बर्थडे। तो बस है इसी के साथ ये वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करो। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए गाइस स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। तो यार यही दिक्कत होती है अगर आप एक रूम पे रह रहे हो तो, आप के साथ सब रहते हैं मम्मी पापा, अगर रेंट पे रह रहे हो तो एक ही रूम पे, बस वेट है घर बनने का, कब घर बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मम्मी कहती है पूजा यहाँ पे दिना दिखाना, और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ हल्की आवाज़ में, क्योंकि मैं ज़्यादा आवाज़ तेज नहीं कर सकता, नहीं तो इसीलिए वो पूजा हो रही है।